अलैकुम ईमानदार भाई को मैं तरफ से ईद की खुशी मुबारक हूँ। तो आज हमने सबसे पहले आपको जो इस ईद के मौके पर तबक मास की डिश बनाने जा रहे हैं। तबक मास जो आमतौर शादियों में बनता है, इसका सबसे पहले तरीकाकार ये है कि हमने पानी रखा है, पानी में हमने जो है ना गोश्त डाला। गोश्त के जो पीस का वजन है वो 100 ग्राम की बोटी होनी चाहिए। 100 ग्राम की बोटी वो हमने इधर डाल दिया और एक खद्दड़ में हमने जो है ना सौंफ तकरीबन 50 ग्राम, दालचीनी 50 ग्राम, सफेद जीरा 100 ग्राम, तेज़पत्ता 50 ग्राम, लहसुन अदरक ये खद्दड़ के कपड़े में बांध कर हमने इसमें डाल दिया। सुर्ख मिर्च हमने इसमें डालनी है, हल्दी डालनी है। पानी को उबाला जब आएगा तो हम नमक मिर्ची उसका चेक करेंगे। ज़्यादा रंग डालना है, ये देखिए। वाला आ चुका है, अभी जब गोश्त तैयार हो जाएगा तो फिर चूल्हा बंद करें। ये देखिए ना वाला आ रहा है, जब ये गोश्त तैयार हो जाएगा ना तो फिर हम इसको पानी से निकाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। बहुत आसान डिश है, गोश्त जब गल जाएगा तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब हम इसको चेक करेंगे हमारा गोश्त जो है ना तो बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको जाना नीचे उतार देंगे। अभी हमने ऑयल इसमें रखा है गर्म होने के लिए। अब आप देखें हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है। हमने अब इसमें जो है ना जो गोश्त के पीसेस हैं वो हमने इसमें फ्राई करने हैं। ये देखें ये इस तरह से आपने इसको लाल करना है। ये आपका तबक मास बिल्कुल तैयार हो चुका है।
ये आपने पूरी तौर पर मेहमानों को चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इस पर आपने गरम मसाला पिसा हुआ थोड़ा सा डाल देना है। ये आपका तबक मास आज का तैयार हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो तबक मास की पसंद आई होगी। खसूस भी खसूस ईद उल अज़हा के मौके पर आपको आसानी डिश, आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। तो आप अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।